हमेशा कहती है कि हमें देश में पुरातात्विक संरचनाओं का पोषण करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता अलग है। नागपुर के केरीबाग रोड पर स्थित यह मंदिर करीब 350 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की स्थापना भोसले राजा ने की थी। भोसले राजा ने मंदिर का नाम केलीबाग मंदिर रखा। इस मंदिर के परिसर में चार छोटे मंदिर हैं, जिनमें गणेश मंदिर, शिव मंदिर, राम मंदिर और काला हनुमान मंदिर शामिल है। पुजारी वाशिमकर इस मंदिर में विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इस मंदिर के पुजारी वाशिमकर का कहना है कि उनकी यह पांचवी पीढ़ी इस मंदिर में पूजा कर रही है। कभी मंदिर के सामने वाली सड़क का नाम इसी मंदिर के नाम पर रखा गया था, लेकिन आज इस मंदिर की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि अब लोग अपना सामान इस मंदिर में गोदाम बनाकर रख रहे हैं। यह बात पुजारी किशोर वाशिमकर ने कही। केलीबाग मंदिर को नागपुर पुरातत्व विभाग की सूची में ए श्रेणी में रखा गया है। कारण कि यह मंदिर वास्तुकला को देखते हुए इस मंदिर को ए श्रेणी में रखा गया है। पुरातत्व विभाग को भी इस मंदिर में ही हो रही ऐसी बातों की जानकारी नहीं है। विभाग के अध्यक्ष मोखा ने कहा कि इस इमारत की देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी है और पुरातत्व विभाग इस मामले का संज्ञान ले, बैठक को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाए। ये अपना इंक्रोचमेंट के बारे में हमको एक कोई न्यूज़पेपर से पता लगा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी हमारी अगली मीटिंग में हम इसके ऊपर स्यू मोटो विचार करेंगे और एजेंडा में लेने का हमने प्रस्ताव रखा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। सिटीजन्स शुड बी अलर्ट एंड इमीडिएटली। ये हेरिटेज ग्रेड वन स्ट्रक्चर है, इसके वास्ते जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरीके के अगर अपन अपने यहाँ के मंदिर को अगर वायलेशन करेंगे और एक साइड हम प्रचार कर रहे हैं अच्छे मंदिर बनाने का, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये तो काफ़ी साल पुराना है, इसलिए उसको ग्रेड वन में रखा है। और अभी अगर पूजा हो रहा है तो मैं खुद सरप्राइज हूँ कि वो पुजारी ने क्या किया, अभी तक उसने अलाउ कैसे किया? अगर वो पुजारी है तो वो कस्टोडियन ऑफ टेम्पल है, मतलब मंदिर की देख रेख उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों भगवान का घर है। अगर उसमें कोई इंक्रोचमेंट रहता है, चाहे कोई भी रहे या कोई भी कितना भी पावरफुल रहे, उसने अपना काम करना चाहिए, अपना धर्म निभा के कंप्लेंट दाखिल करना चाहिए, या तो हेरिटेज कमिटी में दाखिल करे या पुलिस स्टेशन में करे। नहीं, ये नक्काशी को अपनी जवाबदारी है प्रिजर्व करने की, क्योंकि ये सब पुराने लोगों ने किस तरीके से अपना परिश्रम करके विथ लिमिटेड टूल्स इतना अच्छा कार्य किया कि उस समय ये सब इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन एक डेडिकेशन था उनके काम में, तो वो वहाँ रिफ्लेक्ट करता है। और वो रिफ्लेक्ट करता है ये जगह का कल्चर और उसका जो वातावरण है, इट रिफ्लेक्ट्स इन द आर्ट। तो वो प्रिजर्व करना हमारे वास्ते जरूरी है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखा होगा, कोई भी सिविलाइजेशन अगर बढ़ा है तो वो सिविलाइजेशन ने अपना हेरिटेज प्रिजर्व करते हुए, उसको सम्मान देते हुए बहुत फ्यूचर के स्टेप्स लिए हैं। तो अगर अपन हेरिटेज करेंगे तो अपन अपना कल्चर भी भूल जाएंगे, अपना पूरा डायरेक्शन लेस फ्यूचर हो जाएगा, हो सकता है। और जिस तरीके से कार्विंग है वो इट डेट्स बैक टू 350 ईयर्स, एंड मेरे हिसाब से वी शुड शो फुल रिस्पेक्ट, उस पे पूरा आदर करना चाहिए वो स्ट्रक्चर का। NBC न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।